जूले क्या हाल चाल है मेरी YouTube फैमिली आप सबका वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप मज़े से हो खुश हो और आबाद हो और मैं भी अलहमद बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और आज है ट्यूसडे का दिन तो यहाँ पर जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में जो है मैं आज हमारा जो लोकल रोटी होता है ना मैं वो बना रही हूँ और यहाँ पर है ये देखिए जी ये बर्तन है और इनको मैंने रात को ही धो कर के रख दिए थे डिनर के बाद में और सफ़ाई वफाई करके बर्तन धोकर के फिर हम लोग सोए थे और यहाँ पर मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ और मैं ब्रेकफास्ट में जो है नमकीन चाय भी बना रही हूँ जो कि मैंने अपने किटल में चला चढ़ा रखा है दोस्तों और यहाँ पर देखिए आज जो है मौसम काफ़ी ख़राब है पहाड़ों पर बादल है और हल्की बर्फ़बारी भी हुई हो दोस्तों इस वजह से आज हमारे यहाँ पर ज़ोर शोर से मज़ेदार वाली बहुत ही मज़े की सर्दी हो रही है और फिर से जो है लग रहा है कि विंटर वापस आ चुका है और अब मैं यहाँ पर जो है मैं स्कूल जा रही हूँ दोस्तों ये स्कूल का टाइम है तो मैं सुबह वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई और यहाँ पर अब अरहान भी जा रहा है तो अरहान को मुझे स्कूल ड्रॉप करना है और फिर मुझे जाना है जी अपने स्कूल ठीक है गाइज़ तो वहाँ देखिए पहाड़ों पर कितनी बर्फ़ पड़ी है और बादल है और फिर बादल और बर्फबारी की वजह से जो है यहाँ का मौसम एकदम से बदल चुका है जबकि इस टाइम यहाँ पर होनी चाहिए थी सर गर्मी पर यहाँ शुरू हो चुका है जी सर्दी अरहान को ड्रॉप करने के बाद में दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने स्कूल और बस मेरे स्कूल का पूरा स्टाफ भी अब पहुंच चुका है और आज जो है हमारे स्कूल में कुछ नए लोग भी आए हैं नए नए चेहरे इन हमें देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कुछ नए लेक्चरार्स पहुंचे हैं ले से और इस टाइम सब लोग आ रहे हैं जी स्कूल तो मैं भी पहुंच चुकी हूं और आज मिलेंगे हम लोग अपने जो नए लेक्चरार्स पहुँचे उनसे और अब दोस्तों यहाँ पर है स्कूल टाइम तो यहाँ पर अनवर सर यहाँ पर हमारे सर जो हैं वो अटेंडेंस लेने में लगे हुए हैं ठीक है और बस फिर मैं आप, आप लोगों से ना दोपहर में मिलूँगी लंच ब्रेक में ठीक है तब तक के लिए मैं अपनी ड्यूटी कर लेती हूँ और देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ टीचर्स और कुछ लेक्चरार्स नए आए हैं मैंने आपको सुबह बताया था तो मैं हमारी प्रिंसिपल मैम है और वो सब हैं हमारा जो पूरा स्टाफ है हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं बिल्कुल हमारे स्कूल के सामने ये जो पत्थरों का पहाड़ है ना इसके पीछे जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है तो हम वहाँ पर जा रहे हैं और अब आप देखिए अल्लाह का निज़ाम यहाँ पर आ, देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने एक, आ, हमारे लिए दुनिया में कितनी ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत चीज़ें तैयार की हैं और दुनिया को कितनी ख़ूबसूरती से सजाया है यहाँ पर एक इतना बड़ा पत्थरों का पहाड़ है और पहाड़ों के पीछे ही जो है बिल्कुल पार्क जैसा और एक बहुत ही ख़ूबसूरत सी जगह है तो हम सब वहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों इधर फर्स्ट मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यहां पे अच्छा जी ये हमारी मैथ की लेक्चरर हैं हेलो और ये जी हमारी नीदा मैम नीदा मैम है ये इधर दो ना इंट्रो बच्चों को तो दिया मेरे मेरी फैमिली को भी तो दो ना मेरी यूट्यूब फैमिली को अपना इंट्रो हेलो <laughs> तो देखिए दोस्तों आप भी हमारे साथ में रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा ठीक है दोस्तों और हाँ दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा ठीक है हाँ और यहाँ पर ना देखिए दोस्तों हम लोग ऊपर पहुंचे ना तो यहाँ से हमने नीचे देखा तो यहाँ पर जो है हमारा स्कूल बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और सारे बच्चे खेलने में लगे हुए हैं इस टाइम लंच ब्रेक है ना इस पहाड़ के पीछे है हाँ घूम के जाना पड़ता दिख रहा है ना पुल सामने वाला पुल है हाँ हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ से ऊपर रास्ता है त्यक्षी में है हमारा ये देखो कितना प्यारा है ना इधर यहाँ पर देखिए आप बीच में इतना बड़ा पहाड़ है पहाड़ के उस साइड में हमारा स्कूल है ना। और फिर इस पहाड़ को पार करने के बाद यहाँ पर देखिए कितनी ग्रीनरी है मैम सुनो तो मैम इधर तो सुनो मैम प्रिंसिपल मैम इधर तो मुड़ो अरे प्रिंसिपल मैम पीछे तो देखो मैम पीछे तो देखिए ना प्लीज मैम है ना हमारे पास तो व्यू ही व्यू है ये देखो मैं अशिका चलती

तो यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और हमारी मैम को देखिए पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर के स्कूल को देख रही है और यहाँ पर जो है अब हम लोग बहुत थक चुके थे, हाँ बहुत। थे बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर उतरेंगे यहाँ से दूसरी साइड में और यहाँ पर ना ऊपर पहुँचने के बाद में पहाड़ों पर लग रहा है कि हम लोग किसी नई जगह पर आए हैं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस जगह को हम लोग रोज देखते होंगे बिल्कुल न्यू लग रहा है ये और जबकि ये हमारे स्कूल के सामने ही है तो। <सथ> मैम हमारी जा चुकी है वो इस टाइम ना यस मैम हमारी जा चुकी है वो इस टाइम ना ये पूरा पहाड़ पार करके चली गई है, <सथ> है ना और अभी देखिए दोस्तों कुछ दिनों से चार पांच दिनों से मुस्तकिल जो है बिल्कुल मौसम ख़राब था तो ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी तो आज थोड़ा सा धूप निकला है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो हम लोग यहाँ पर इन पत्थरों के पहाड़ से नीचे उतर के हम जा रहे हैं तो यहाँ पर एक मतलब हिडन प्लेस है यहाँ हम लोग तो आते रहते हैं पर ये जगह बहुत खूबसूरत है ये जो इन इसके जो ऑनर है वो मेरे हस्बैंड की फूफी हैं मतलब अब मेरी भी फूफी हुई तो यहाँ देखिए मैं कितनी जल्दी उतर के आ गई तो ये उनका बहुत बड़ा एक फार्म हाउस की तरह है और पार्क की तरह इन्होंने सजा रखा है और अल्लाह ने इनको इस नियामत से नवाज़ा है कि इनको यहाँ पर अल्लाह अल्लाह पाक ने जो है इतने ख़ूबसूरती से सजाया है इनकी इस जगह को पत्थर पहाड़ मैदान सारा एक ही जगह पर दिया हुआ है इनको और इन्होंने खुद भी बहुत ही ख़ूबसूरती से इसको मेंटेन किया है सजाया है यहाँ पर देखिए इन्होंने इसकी ख़ूबसूरती बढ़ाने के लिए इन्होंने फ़िश भी पाल रखे हैं फ़िश जो है यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे फ़िश पाल रखे हैं और जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो ये इन्हें बेचते भी हैं और जी इन्होंने यहाँ पर जो है बकरियाँ भी रखी हुई है और बहुत सारे पेड़ पौधे इन्होंने यहाँ उगा रखे हैं और माशाल्लाह यहाँ पर देखिए आप इन फिशेस को कितने खूबसूरत लग रही है बस ना। ना भैया पे चोगो चोगो सो सो चोगो देना। और जी जब मैं स्कूल से आ रही थी ना तो मुझे गाड़ी ही नहीं मिली और मैं पैदल आई हूँ और पैदल चल कर के मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ आधे रास्ते में और अब बस मुझे ये पूरा जो रास्ता है और ये मतलब जो हमारे घर की तरफ जाने वाला जी ये जो रोड है ना इस पर थोड़ी सी चढ़ाई का रास्ता है तो मैं चढ़ के यहाँ पहुँच चुकी हूँ जी और मैं काफ़ी थक भी गई हूँ दोस्तों तो जो है मैं चल करके आई थी ना तो बस अब घर पहुँचने वाली हूँ और अरहान भी आने वाला है तो अरहान की जो स्कूल बस है वो पहुंचने वाली थी तो मेरी बेटी गई है उसे लेने के लिए और मैं तो चढ़ कर के आ गई जी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और यहाँ पर देखिए आप मौसम का हाल अभी भी वही है बादल हैं और काफ़ी ठंडा मौसम है और बस अब शायद से एक दो दिन में मौसम साफ़ हो जाए तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ जी और देखिए जी ये शाम का टाइम है तो मेरी भतीजी मेरे हस्बैंड के भैया की बेटी है ये और इनके पास में हुई थी जी बेटी तो ये फर्स्ट टाइम आज ये छोटी सी गुड़िया को लेके हमारे घर आ रही है तो हम अपने बलती रिवाज के हिसाब से जो है इसका सदका वगैरह निकालेंगे और हम लोग पक थप कहते हैं तो उसके लिए एप्रिकोट और बादाम वगैरह डाल करके जो है हम पक थप निकालते हैं और फिर बेटी का सदक़ा भी निकालते हैं तो इसका हम वेलकम कर रहे हैं छोटी सी गुड़िया का ये अभी एक डेढ़ महीने की है तो हमारी बेटी जो है इसे फर्स्ट टाइम हमारे घर लेकर के आई थी फिर हम क्या करेंगे ना ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये लोगों में बांट देंगे और फिर इसके अलावा हम थप निकाल करके थोड़ा सा ज़्यादा सा ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके एप्री और ये जो गुड़िया और इसकी मम्मी है इसको देंगे ठीक है तो दोस्तों ये और हम... ये ना हमारा बल्ती कल्चर है ठीक है दोस्तों और ये है जी रात का टाइम तो गेस्ट भी है घर पर भतीजी ना जो अभी आई थी तो मैं यहाँ पर फटाफट से डिनर बना देती हूँ ठीक है दोस्तों फिर किसी अच्छे से वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर बाय अल्लाह हाफिज़